अब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने 4 टॉपिक कवर किया है, ये 5th टॉपिक है। 4 टॉपिक कौन कौन से कवर किया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, सेकेंड टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, थर्ड टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, फोर्थ टॉपिक अप्रॉक्सीमेशन। तो ये 4 टॉपिक कवर हुए हैं और एक्सरसाइज 6.4 तक हमने सॉल्व कर लिया है। और चैप्टर 6 है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी बुक। तो 5th टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा में क्या ये पढ़ेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है और क्या थ्योरम है, क्या फॉर्मूले यूज होंगे, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो इस मैक्सिमा मिनिमा में यही लिखा हुआ है कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का यूज करके हम किसी भी फंक्शंस के, वेरियस फंक्शंस के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। इन दिस सेक्शन, इन दिस टॉपिक वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव टू कैलकुलेट द मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ वेरियस फंक्शन, ठीक है। अलग अलग फंक्शन जो भी हमें मिलेंगे, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, मॉडुलस, इन सभी जो भी फंक्शन हमने क्लास 11th में पढ़ा है, उन सभी फंक्शंस के मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे और क्या यूज करके, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का यूज करके। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि हमें क्या फाइंड करना है, टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। यदि किसी फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ कहाँ से वो टर्न हो रहा है, जो हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में देखा था, ग्राफ टर्न कर रहे थे किसी पॉइंट पे, तो उस टर्निंग पॉइंट को फाइंड करना है। और ये पॉइंट फाइंड करके जिस पे ग्राफ अपने रिचेस्ट वैल्यू, सॉरी हाईएस्ट वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू को रीच करता है, वहाँ तक पहुँचता है, तो उस पॉइंट को हमें फाइंड करना है। उस पॉइंट को क्या बोला जा रहा है? टर्निंग पॉइंट। आगे क्या लिखा हुआ है? जब ये पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे और ये पॉइंट हमें ग्राफ को स्केच करने में, ड्रॉ करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। और इसकी मदद से हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फंक्शन का फाइंड करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम और मिनिमा क्या होता है, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन गिवन है, इनके बेस पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम मिनिमा क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक ऑरेंज ट्री का गार्डन है जहाँ से प्रॉफिट का फंक्शन गिवन है ax प्लस bx स्क्वायर, ए बी कॉन्स्टेंट है, एक्स नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री पर एकड़, ठीक है, पर एकड़ नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री कितना एक्स है। तो ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी ट्रीज पर एकड़ विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, हम कितने पेड़ लगाएं पर एकड़ कि प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। तो हम कहाँ यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, इसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक बॉल है थ्रोन इनटू एयर फ्रॉम बिल्डिंग 60 मीटर हाइट, ठीक है, 60 मीटर हाइट बिल्डिंग से एक बॉल को फेंका जा रहा है, ट्रेवल अलोंग द पाथ, ये उसका पाथ है, एच ऑफ एक्स, एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिल्डिंग का, एच ऑफ इज द हाइट ऑफ द बॉल, ये हाइट हुआ, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल विल रीच। तो हाइट मैक्सिमाइज करने के लिए और मिनिमाइज करने के लिए, डिस्टेंस मैक्सिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। एक अपाची हेलीकॉप्टर है ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द पाथ, ये पाथ है एफ ऑफ एस स्क्वायर प्लस 7, सोल्जर प्लेस एट द पॉइंट वन टू शूट द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग इसे यूज करेंगे।
ये तीन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको समझ में आया कि मैक्सिमम मिनिमा का हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज करने वाले हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो भी प्रॉब्लम इन ईच ऑफ द एबव प्रॉब्लम देयर इज समथिंग कॉमन, वी विश टू फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। यहाँ सभी जो भी क्वेश्चन थर्ड तीनों क्वेश्चन गिवन है वहाँ से हम जो भी गिवन फंक्शन है उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले वी फर्स्ट फॉर्मली डिफाइन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन करना होगा, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, और क्या डिफाइन करना होगा, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू फाइंड होते हैं उसे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहेंगे, मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम। तो इसी बेस पे एक डिफिनीसन गिवेन है, डिफिनीसन नंबर 3, क्या कोई भी फंक्शन एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल आई। यदि कोई फंक्शन डिफाइन है इंटरवल आई पर तो उस फंक्शन को हम मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे इन इंटरवल आई पे। इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई सच दैट एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। कि कोई ऐसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी, जिसपे फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ सी बाकी पॉइंट पे जो वैल्यू है फंक्शन से उससे बड़ी हो। ठीक है, सी जो है वो बिलोंग्स टू इंटरवल आई, उस पे वैल्यू एफ ऑफ सी, इसकी वैल्यू बाकी फंक्शन बाकी पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है इससे ग्रेटर होने होगी, तो एफ ऑफ सी को मैक्सिमम वैल्यू कहा जाएगा और पॉइंट सी इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन इंटरवल आई। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू के लिए भी कहा जाएगा कि जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी फंक्शन की वैल्यू से क्या हो, स्मॉल हो, स्मॉलर देन एफ ऑफ एक्स ना, तो एफ ऑफ सी इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन इंटरवल आई एंड सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर ए और बी दो पॉइंट जो हमें बता रहे हैं डिफिनीसन में, इन दोनों को मिलाकर यदि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड होती है तो इन दोनों को एक साथ हम एक्सट्रीम वैल्यू बोलेंगे फंक्शन का। तो एफ इज सेट टू बी एक्सट्रीम वैल्यू इन इंटरवल आई। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई सच दैट एफ ऑफ सी इज आइदर अ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करना या एक्सट्रीम वैल्यू का क्या मीनिंग है कि फंक्शन की आप मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू दोनों को कंबाइन फॉर्म में हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू। और पॉइंट सी जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू कहा गया उन दोनों को कंबाइन करके क्या बोला जाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट। समझ में आ गया होगा, एफ ऑफ सी इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड पॉइंट सी इज कॉल्ड द एक्सट्रीम पॉइंट। तो यहाँ से आपको एक्सट्रीम वैल्यू और एक्सट्रीम पॉइंट का डिफिनीशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दोनों को कंबाइन फॉर्म में एक्सट्रीम वैल्यू कहा जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, तो हमें एक्सट्रीम पॉइंट यदि मालूम है, फाइंड कर लिया है, तो हम एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फंक्शन की। और यहाँ पे तीन ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं, ग्राफ से आपसे क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ से क्लियर हो रहा होगा कि एफ ऑफ सी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि एफ ऑफ सी पॉइंट सी के बाद और पॉइंट सी से पहले फंक्शन जो ग्राफ है वो डिक्रीज हो रहा है, पॉइंट सी ही इसकी एक हाईएस्ट पॉइंट सी पर ही इसकी हाईएस्ट वैल्यू एफ ऑफ सी हमें फाइंड हो रही है। तो जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ था एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन की बाकी वैल्यू है वो एफ ऑफ सी से छोटी है, एफ ऑफ सी बड़ी है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैक्सिमम का ग्राफ के जरिए आपको दिखाया जा रहा है, शो कर किया गया है। अब ये देखिए जो सेकेंड पॉइंट था मिनिमम का, यहाँ पे ये जो ग्राफ बनाया गया है पैराबोला,
तो इस पॉइंट सी पे इस पैराबोला की इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू है, और इस पॉइंट सी के बाद और पहले सभी पॉइंट पर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इन्फिनिट तक इंक्रीज हो रही है। तो पॉइंट एफ ऑफ सी जो है इसकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी 8.c। तो सेकेंड पॉइंट जो डिफिनीशन में कहा इस ग्राफ से हमें शो हो रहा है, इस ग्राफ से हम को समझ आ रहा होगा, ये प्रूफ हो रहा है। जो थर्ड ग्राफ है ये एक लाइन सेगमेंट है, यह एक लाइन सेगमेंट है। यदि हम इंटरवल की बात करें 1 और 4, ठीक है, 1 और 4, जो ये पॉइंट है 1 और 4, और दोनों को कंबाइन करके इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे 1 4। यदि ये क्लोज इंटरवल है, यदि पॉइंट इंक्लूड हम कर रहे हैं इक्वल टू 0.4 पे इसकी लाइन सेगमेंट का कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तो इस 0.4 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो रही है, 1 पे मिनिमम, ठीक है। और दोनों को मिला के क्लोज इंटरवल, ओपन नहीं, क्लोज इंटरवल 0.4 पे इस लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू, और 0.1 पे x इक्वल टू 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड हो रही थी। इसमें दोनों मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों ही हो गए। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों क्या सीखा हमने, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दोनों कंबाइंड फॉर्म में हम एक्सट्रीम वैल्यू कहें बोलेंगे, और ये जो पॉइंट सी है या 0.14 है इनको कंबाइंड फॉर्म पे हम एक्सट्रीम पॉइंट कहेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करो, और इस एक्सट्रीम पॉइंट की वैल्यू हम फंक्शन में पुट करके एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 26 सॉल्व करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर का मीनिंग क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, माइनस इन्फाइनाइट से लेके इन्फाइनाइट तक, मीन्स टोटल नंबर लाइन या रियल लाइन। और ये एक्स स्क्वायर क्या है, आप 11th से पढ़ा, ये पैराबोला है, पैराबोला ड्रॉ कर लिया हमने। तो ये पैराबोला ये यहाँ इस पॉइंट पे जाके, इस पॉइंट पे जाके वो लिमिट नहीं हुआ है, ये इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। यहाँ आप एरो लगा सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे लिमिट नहीं हुई है, रुकी नहीं है, ये वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे, क्योंकि x कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट तक। तो हम सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना आप क्लास 8-9 में सिखाया। और ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे और ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम ये देख सकते हैं कि ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पर है, पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 पे, कहाँ पर है, एक्स इक्वल टू 0 पे। कितनी वैल्यू आ रही है, 0 पुट करके करिए 0, ठीक है। और जैसे ही हम 0 से इंक्रीज करते हैं एक्स की वैल्यू या डिक्रीज करते हैं, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है, और कहाँ तक इंक्रीज होगी, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक्स इक्वल टू 0 पर 0 वो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, और बाकी सब वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू का फंक्शन कितनी हो गई, 0, और इस जो पॉइंट है मिनिमम वैल्यू का वो क्या है, इक्वल टू 0। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की यदि बात हो तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, जब कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है तो हैज नो पॉइंट, हैंस नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन रियल नंबर। ये ग्राफ्स ड्रॉ करके इस तरह से हम फाइंड करते हैं, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब जो नोट में ये कहा है कि ये तो इंटरवल हमने पूरा रियल नंबर लिया था, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट लिया था, यदि इसके इंटरवल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए क्लोज इंटरवल माइनस टू से वन तक इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो दोनों ही इंड पॉइंट को हम फंक्शन में पुट करेंगे, माइनस टू स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे, तो दोनों मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो 4 फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू इज 4। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, हाँ, लेकिन 0 पुट करने पे 0 आ रहा है, तो 1 और 0 में मिनिमम वैल्यू कौन सा हुआ, 0।
तो तीन पॉइंट मिलेंगे हमें, फिर माइनस टू वन और ज़ीरो, दो इंड पॉइंट हो गए और ये ज़ीरो ग्राफ से जो हमें इंडिकेट हो रहा है। अब कुछ एग्जांपल 27 देखिए, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ आई मॉड एक्स। ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, मॉडुलर फंक्शन, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ग्राफ ऑफ ड्रॉक हमने क्लास 11th में किया ही है, ठीक है। ये दो पार्ट में टूटेगा, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो। ये इस तरह से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, जो आपने 11th में सीखा है ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। इसकी ग्राफ से फिर ये इंडिकेट हो रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, निगेटिव वैल्यू तो है नहीं, और जीरो। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल बिलोंग्स टू जीरो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ ऑफ जीरो। तो फंक्शन है मिनिमम वैल्यू जीरो, इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो गई, पॉइंट क्या हुआ, एक्स इक्वल टू जीरो, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू इज जीरो। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये इन्फिनाइट तक जाएगी। तो फंक्शन का हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग नहीं फाइंड कर सकते, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है इन रियल नंबर, क्योंकि इनफिनाइट मिलेगा, तो इसलिए कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, हैंस नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इन रियल नंबर। अब नोट में ये कहा है कि यदि हम इसको डोमेन को रियल नंबर की जगह माइनस टू से वन लें, ठीक है, माइनस टू पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू, वन पे कितनी वैल्यू आएगी, वन, जीरो पे ज़ीरो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू तो इसको टू मिल रही है एट पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। तो टू मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की, माइनस टू इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कितना हुआ था, वन पे वन आया था और जीरो पे जीरो, तो मिनिमम वैल्यू जीरो है, तो मिनिमम वैल्यू इज जीरो एट पॉइंट ऑफ समझ में। इस तरह से हम जब कोई डोमेन को लिमिट करता है, क्लोज इंटरवल गिवन होते हैं, तो इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करते हैं दोनों एंड पॉइंट पे। तो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ से आपको ये इंडिकेट होता है कि मिनिमम कहाँ मिल रहा है और मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है। सेकंड पॉइंट जो गिवन है वो ये कह रहा है कि वन में नोट दैट द फंक्शन है इन एग्जांपल 26 नॉट डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल जीरो। हमें ये मालूम है कि जो मॉडुलर फंक्शन है एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो वैल्यू हो जा रही है, तो डिफरेंशिएबल नहीं। तो डिफरेंशिएबल का क्या रोल है ये थोड़ा हम आगे देखेंगे। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 28 पे, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है इफ़ एनी, यदि कोई है ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू 1, ठीक है। यहाँ पे ही कॉन्सेप्ट समझना है कि इसका क्या रोल है, एक्स बिलोंग्स टू 0 1 ओपन इंटरवल, क्लोज का अलग उसका रोल है, कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे ये ओपन इंटरवल का अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए इसी को समझते हैं। फंक्शन ड्रॉ कर दिया हमने, अब पूरा फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं एक्स को, ठीक है। और फंक्शन ग्राफ से ही दिख रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन, एक्स वैल्यू इंक्रीज करेंगे फंक्शन इंक्रीज होती रहेगी, और ओपन इंटरवल दिया गया है इसलिए सर्किल हमने बना दिया है। इसका मतलब 0 और 1 दोनों को ही इंक्लूड नहीं करना है, 0 1 पे जो वैल्यू उसकी है उसे हमें उसको इंक्लूड नहीं करना है, उसको कंसीडर नहीं करना है। अब ग्राफ से क्या आपको समझ में आ रहा है, इट्स एंड इट शुड हैव द मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट क्लोजेस्ट टू 0, 0 पे तो जाना नहीं है हमें, एक्स इक्वल टू 0 वैल्यू इंक्लूड समझना नहीं है। तो यदि हम एक्स जो फंक्शन की वैल्यू है एक्स यदि क्लोज टू 0 जाएँ, यदि क्लोज टू 0 जाएँ इसका मतलब क्लोज टू 0 ऑन इट्स राइट, 0 से राइट, 0 से राइट की तरफ जाएँ तो मैक्सिमम वैल्यू एट अ पॉइंट क्लोजर टू 1 ऑन इट्स लेफ्ट, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू यदि हम फाइंड करना है तो 1 के लेफ्ट में क्लोज वैल्यू जाएँ, क्लोजेस्ट हो जाएँ, तब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है और इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड हो सकती है। मिनिमम वैल्यू कहाँ होगा, 0 से राइट, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा, 1 से लेफ्ट में, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ से और इस कॉन्सेप्ट से ये क्लियर हो रहा है कि हम इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 से राइट साइड में क्लोजेस्ट वैल्यू
0.1 भी हो सकता है, 0.11 भी हो सकता है, 0.111111 भी हो सकता है। इस टाइप से कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे इन्फाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे। जीरो से जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वो इन्फाइनाइट पहुंच जाएगा। और जब एक्स की वैल्यू ही पॉइंट ऑफ मिनिमम जो वैल्यू हम यदि पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू पॉइंट ही नहीं कोई फिक्स है, कोई निश्चित नहीं है, जो इन्फाइनाइट जा रहे हैं, तो हम इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से मैक्सिमम के भी केस में भी ये वन के लेफ्ट में यदि कोई पॉइंट कंसिडर करें तो इन्फाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। जैसे 0.9, 0.99, 0.999, 0.4×9, इस तरह से ये इन्फाइनाइट नंबर मिलेंगे। इसी तरह तो मैक्सिमम वैल्यू का जो पॉइंट है वो भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इन्फाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। मिनिमम वैल्यू के भी कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, वो भी इन्फाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। जब पॉइंट ही नहीं कंसीडर है कि किस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है या किस में मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो फंक्शन की कोई वैल्यू ना इधर मैक्सिमम वैल्यू ना मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं ओपन इंटरवल के लिए। यदि क्लोज इंटरवल होता तो इसकी मिनिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पे 0 मिल जाती और 1 पे 1 मिल जाता। तो ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बीच का डिफरेंस है। तो इस एग्जांपल से जो एक मोनोटोनिक फंक्शन था, जो अभी हमने एग्जांपल 28 किया, तो मोनोटोनिक फंक्शन का आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू यदि फाइंड करते हैं तो कहाँ मिलेगा, एट द एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। जो भी इंटरवल दिए होंगे क्लोज इंटरवल, ओपन में नहीं फाइंड कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। अभी आपको एग्जांपल क्वेश्चन में से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। किस क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट जो है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे है। वहाँ भी ओपन इंटरवल गिवन है, वहाँ भी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का मोनोटोनिक फंक्शन यदि हमसे उसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले यदि ओपन इंटरवल दिया है तो एक लाइन में हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। और यदि क्लोज इंटरवल गिवन है तो उस क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट होंगे, उसी एंड पॉइंट पे हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन यदि हमें मिलता है तो उसकी क्लोज इंटरवल में हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज इंटरवल में उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब इस ग्राफ को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए इस तरह का कोई ग्राफ ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पे आपको इस ग्राफ में ए बी सी डी चार टर्निंग पॉइंट दिख रहे हैं जहाँ से ग्राफ टर्न हो रहा है, इसकी वैल्यू बदल रही है। ए बी सी डी पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग फंक्शन। पॉइंट बी से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, पॉइंट सी पे डिक्रीज से इंक्रीजिंग और डी पे इंक्रीज से डिक्रीजिंग। पॉइंट ए और सी, टर्निंग पॉइंट ए और सी पे फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। और दोनों ही पॉइंट ए और सी पर, पॉइंट ए और सी पे फंक्शन की जब ये फंक्शन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, तो पॉइंट ए और सी पे हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड होगी। इस पे हम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड होगी, तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू, क्या बोलेंगे, ए और सी को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए और सी, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू और रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। अब पॉइंट बी और डी पे देखिए इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। ये बी और डी क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी और डी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ए बी ए सी और बी डी के बारे में समझ में आया। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू
दोनों को ही कंबाइन फॉर्म में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहेंगे। पूरे ये जो तीन वर्ड है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इनको शॉर्ट में लोकल मैक्सिमा भी लिखेंगे आगे क्वेश्चन में, और लोकल मिनिमम वैल्यू मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू को शॉर्ट में लोकल मिनिमा भी लिखा जाएगा। तो कहीं भी आपको लोकल मैक्सिमा फाइंड करने के लिए कहता है क्वेश्चन में, किसका मिनिमम है कि उसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है इसका मतलब लोकल मिनिमा, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी कहेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू को शॉर्ट में पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा भी कहा जाएगा, और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू को शॉर्ट में पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहेगा। तो इसी बेस पे एक डिफिनीशन 4 तैयार किया गया है जो हमने अभी समझा। यदि कोई फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है और सी कोई इंटीरियर पॉइंट है इसके डोमेन में, तो सी को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा जो मैंने अभी समझाया था कहेंगे। ठीक है, कब, जब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बाकी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू उससे बड़ी हो। ठीक है, पॉइंट सी को छोड़कर बाकी कोई भी वैल्यू हम पुट करें तो उस पे जो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स आ रही है, और पॉइंट सी पे जो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी, वो बड़ी होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यही समझा रहा है कि पॉइंट सी को छोड़कर, मतलब इसकी वैल्यू सी माइनस एच और सी प्लस एच रखना है ना, सी से बड़ी वैल्यू रखनी है और सी से छोटी वैल्यू कोई रखें, कि सारी वैल्यू से पुट करें सी छोड़कर, तो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी से छोटी आनी चाहिए, एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू सी पर बड़ी होनी चाहिए। तो इस एफ ऑफ सी को लोकल मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन बोलेंगे या लोकल मैक्सिमा कहा जाएगा। सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब पॉइंट को सी को लोकल मिनिमा तब बोलेंगे जब एफ ऑफ सी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स से छोटी हो, मतलब फंक्शन की वैल्यू सी पर एफ ऑफ सी, और सी को छोड़कर बाकी पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बड़ी हो और सी की वैल्यू छोटी हो। एफ ऑफ सी को क्या बोला जाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू। अभी तक हमने मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और ग्राफ, ग्राफ की मदद से ग्राफ को ऑब्जर्व करके कैसे हम इसे बताएंगे, ये सब चीज़ें सीखा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ग्राफ को स्केच करके। अब आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, अब डेरिवेटिव का कैसे यूज करेंगे, क्योंकि चैप्टर तो डिपेंड है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हमें डिफ्रेंशिएशन का यूज करना है। तो इसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए अब ग्राफ समझिए। पहले मान लीजिए कि ग्राफ ड्रॉ किया गया है, कि ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है, और ये पॉइंट सी, इस पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हुआ। ठीक है, और एक ये ग्राफ बनाया है हमने बुक में बनाया है, तो इस पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट सी पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यहाँ लोकल मैक्सिमा मिलेगा, यहाँ लोकल मिनिमा मिलेगा। डिफ्रेंशिएशन का यूज यहाँ समझना है, समझिए, यहाँ पे कोई टेंजेंट यदि ड्रॉ करते हैं आप पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम पर, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम पर, वो टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दोनों ही पॉइंट पे इसका स्लोप जीरो। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप जीरो, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, कोई ढलान नहीं है इस पर, कोई स्लोप नहीं है। ठीक है, और स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पॉइंट पे, एफ डैश सी से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश सी से, अभी हमने इसमें टेंजेंट और नॉर्मल में हमने पढ़ा। ठीक है, तो एफ डैश सी यहाँ पे जीरो और एफ डैश सी यहाँ पे जीरो, दोनों जगह स्लोप जीरो। क्या करना है, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट हैं, दोनों को एक्सट्रीम पॉइंट ही कहा जाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे इसके स्लोप की वैल्यू जीरो, ये फाइंड कर लिए। अब इससे पहले उसके बाद देखिए, इससे पहले उसके बाद पे इसके फंक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है, इसके स्लोप पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस एक्सट्रीम पॉइंट के लेफ्ट में और राइट पे इसके स्लोप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस पर जब ये एक्सट्रीम पॉइंट किसके लिए है, लोकल
मैक्सिमम के लिए इसके लेफ्ट में देख रहा है फंक्शन ये जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है, डेरिवेटिव वैल्यू पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है स्लोप, ये निगेटिव है, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया, फंक्शन इंक्रीजिंग स्लोप पॉजिटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग स्लोप निगेटिव। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा के केस में लेफ्ट में स्लोप क्या होगा पॉजिटिव और राइट में स्लोप निगेटिव, फंक्शन इंक्रीजिंग लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग राइट में फंक्शन डिक्रीजिंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। आइए तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग स्लोप निगेटिव, राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग स्लोप पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है डिफ्रेंसिएशन का स्लोप फाइंड करने के लिए, टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए। अब आगे देखिए, ठीक है, तो अब हम ये सब समझ में आ गया तो हम करेंगे क्या, डिफ्रेंसिएशन का यूज करके कैसे बताएंगे कि पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, या पॉइंट लोकल मैक्सिमा का या मिनिमा का है। तो करना क्या होगा, इन तीनों डिफ्रेंसिएशन से डेरिवेटिव से ये क्लियर हुआ कि फंक्शन का सबसे पहले डेरिवेटिव करो, फर्स्ट डेरिवेटिव करके उसे इक्वल टू जीरो करके पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो ये तरीका हुआ डिफ्रेंसिएशन यूज करके एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करने का। डिफ्रेंसिएशन का क्या यूज सीखेंगे मैक्सिमा मिनिमा में, हम फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इक्वल टू जीरो करेंगे, तो वहाँ से हमें क्या मिलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। ये यूज हुआ डिफ्रेंसिएशन का। अब आते हैं मैक्सिमा और मिनिमा कैसे डिफाइन करेंगे, उस पॉइंट जो एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करेंगे उस एक्सट्रीम पॉइंट से लेस वैल्यू, उसकी लेफ्ट वैल्यू सी माइनस एच, मान लीजिए सी है तो लेफ्ट वैल्यू सी माइनस एच, राइट वैल्यू सी प्लस एच, कोई भी उसकी सी से छोटी वैल्यू उसके डेरिवेटिव में पुट करना है, फंक्शन में नहीं, कहाँ पुट करना है, डिफ्रेंसिएशन का यूज सिखा रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए। डेरिवेटिव फाइंड करके जीरो करके एक्सट्रीम पॉइंट हमने सी ओ फाइंड कर लिया, अब मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे, उस सी से कोई छोटी वैल्यू को डेरिवेटिव पुट करेंगे और डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव आता है, डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है या सी से कोई बड़ी वैल्यू पुट करने पे डेरिवेटिव वैल्यू निगेटिव आती है। ठीक है, सी से छोटी वैल्यू पुट करने पे डेरिवेटिव वैल्यू पॉजिटिव और सी से बड़ी वैल्यू पुट करने पे वैल्यू निगेटिव आती है। डेरिवेटिव चेंज हो रहा है इस पॉइंट पे पॉजिटिव या निगेटिव, यदि किसी फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू उसके एक्सट्रीम पॉइंट पे पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो, फिर से डेरिवेटिव फाइंड करके जीरो करके एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करेंगे और इस एक्सट्रीम पॉइंट पे उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू चेंज होगी पॉजिटिव से निगेटिव, यदि चेंज होगी पॉजिटिव से निगेटिव तो वो पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और उस पॉइंट पे मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ गया ना, पॉइंट सी से लेफ्ट और राइट की वैल्यू पुट करने पे डेरिवेटिव वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव साइन चेंज होता है, पॉइंट सी इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट, सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, उस पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट वैल्यू पुट करेंगे की वैल्यू निगेटिव आ रही है और ये पॉजिटिव, राइट वैल्यू पुट करने में पॉजिटिव, तो इस एक्सट्रीम पॉइंट पे किसी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव यदि चेंज हो रही है तो उस पॉइंट को एक्सट्रीम पॉइंट को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम और उस पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने का लोकल मिनिमम। ये यूज हुआ किसका, डिफ्रेंसिएशन का, फंक्शन के पॉइंट फाइंड करने में, एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करने में और एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने में। समझ में आ गया होगा, जो कुछ भी मैंने ग्राफ में समझाया वो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, उसी के बेस पे थ्योरम बनाया गया है, ये सब चीज़ें मैंने समझाई दिया है, जो भी कुछ मैंने भी ग्राफ में समझाया है
डिफ्रेंसीसन का यूज़ कैसे करना है पॉइंट फाइंड करने में, स्ट्रीम पॉइंट फाइंड करने, स्ट्रीम वैल्यू फाइंड करने में, उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अभी जो कुछ समझाया उसे क्या कहेंगे हम, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समराइज करके लिखा हुआ है। तीन कॉन्सेप्ट हैं, पहला तो इसके लिए लोकल मैक्सिमा के लिए है। ठीक है, यही बोला कि डेरिवेटिव का साइन यदि चेंज होता है, जो मैंने समझाया पॉजिटिव से नेगेटिव, डेरिवेटिव का साइन चेंज हो कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव यदि चेंज हो रहा है तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन ये कंडीशन है, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए ओपन इंटरवल में और कंटिन्यूस होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट पे। ये भी समझा दिया है मैंने ना कि पॉजिटिव होनी चाहिए सी से लेफ्ट की वैल्यू के लिए, और नेगेटिव होना चाहिए सी से राइट वैल्यू के लिए। इसी का अपोजिट यहाँ लिखा हुआ है, किसके लिए लिखा है, लोकल मिनिमा के लिए। ठीक है, साइंस से चेंज होगा इसका, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब कि डेरिवेटिव वैल्यू जीरो होगा किसके लिए, लेफ्ट वैल्यू के लिए, पॉजिटिव होगा राइट वैल्यू के लिए। अब मान लीजिए तीसरा केस भी हो सकता है, साइन ना चेंज हो, यह भी हो सकता है कि फंक्शन जो हम स्ट्रीम पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पे फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू जो साइन हो चेंज ना हो, डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो जो पॉइंट है उस पे ना तो आप पॉइंट लोकल मैक्सिमम फाइंड कर सकते कहेंगे, नहीं उसको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहेंगे, ना मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तब इस पॉइंट को याद रखिएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे, सॉरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिस पॉइंट पे आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, जिस पॉइंट को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम नहीं कहते, जिस पे डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं होता, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो तीन पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा और इसी टेस्ट को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ से अब डिफ्रेंसीसन का यूज़ करना सीखा आपने। अभी तक तो इससे पहले हम ग्राफ को ऑब्जर्व करके कहते बताते थे। ठीक है, यही नोट में लिखा हुआ है, सी पॉइंट को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहेंगे, और है तो एफ ऑफ सी जो लोकल मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, और यदि सी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो एफ ऑफ सी को लोकल मिनिमम वैल्यू कहा जाएगा। अब इसी के बेस पे एग्जांपल 29 गिवन है, एग्जांपल नंबर 29, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। फंक्शन गिवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अभी हमने पढ़ा, फर्स्ट सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एक्स क्यूब का 3x² 3x का -3 और 3 का 0 इक्वल, इसको इक्वल टू जीरो करके स्ट्रीम पॉइंट फाइंड करने हैं। तो हमने 3 कॉमन ले लिया, x² -1, इसको a² - b² जो आइडेंटिटी हमने पढ़ा है, सॉरी फार्मूला जो पढ़ा है उसे यूज कर लेंगे, a - b a + b, x - 1 = 0 पुट करेंगे, x = 1 और x + 1 = 0 पुट करेंगे, तो -1, दो पॉइंट मिल गए +1 और -1, ये दोनों ही स्ट्रीम पॉइंट हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब आते हैं क्या करना है, x+1 से लेफ्ट की वैल्यू के लिए और राइट की वैल्यू के लिए जो डेरिवेटिव है इसका साइन चेक करेंगे कि साइन में क्या चेंज हो रहा है ना। साइन यदि पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो ये लोकल मैक्स पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसके लिए ग्राफ बनाया है, तो देखिए इस ग्राफ से समझिए, यदि 1 के लिए निकालते हैं और ये -1 दोनों के लिए निकाला है, 1 से लेफ्ट कोई वैल्यू लिया है 0.9,
0.9, यदि इसमें 0.9 पुट करेंगे नेगेटिव री पॉजिटिव, तो ओवरऑल इसकी साइन नेगेटिव हुआ, डेरिवेटिव वैल्यू नेगेटिव, साइन इसका नेगेटिव। ठीक है, अब इससे राइट में कोई वैल्यू 1.1 लिया हमने, 1.1, ये वैल्यू पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। तो x इक्वल टू 1 में साइन कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, कैसे चेंज हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यदि नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो साइन तो उसको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहेंगे, और फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 पुट करेंगे फंक्शन में, 1³ 1 -3 + 3 0 हो गया, कितना आया लोकल मिनिमम वैल्यू 1। अब आते हैं -1 पे चेक करते हैं, -1 से लेफ्ट की कोई वैल्यू लिया हमने, -1.1 क्या लिया लेफ्ट में, -1.1 पुट करिए इसमें, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गए। ठीक है, और इसके राइट में मैंने 0.9 दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो दोनों मिला के मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव, इसका साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो x माइनस वन क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 पुट कर दीजिए फंक्शन में, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, प्लस 3 3 6 -1 5। तो फर्स्ट डिग्री टेस्ट से हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, इसी यही फर्स्ट डिग्री टेस्ट हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, एक्सरसाइज 6.5 में, एग्जांपल नंबर 30 पढ़िए इसको। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय, फंक्शन क्या गिवन है, 2x³ -6² + 6x + 5। इस फंक्शन के लिए लोकल मैक्सिमा मिनिमा के सभी पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, 29 तो इसमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का पॉइंट भी फाइंड कर लिए, वैल्यू भी फाइंड कर लिए। जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने पढ़ा उसमें 3 पॉइंट थे, एक पॉइंट लोकल मैक्सिमा के लिए, एक पॉइंट मिनिमा के लिए और एक पॉइंट इन्फ्लेक्शन के लिए। तो ये क्वेश्चन इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए दिया हुआ है। इसका मीनिंग यह है कि जो डेरिवेटिव है उसका साइन चेंज नहीं होगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज होता था तो पॉइंट लोकल मैक्सिमा कहलाता था, और नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज होगा तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाता था, और साइन यदि चेंज नहीं होगा तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। तो वही हम यहाँ पे शो करेंगे, प्रूव करेंगे। डेरिवेटिव करिए फाइंड, सबसे पहले x³ का 3x² से मल्टीप्लाई 6x², और ये 6x² है, x² का 2x, इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे -12x, x का 1, 5 का 0, और सब में से 6 कॉमन हो रहा है, ये हो जाएगा x² + 2x + 1। यहाँ से आप 6 कॉमन ले लीजिए, x² - 2x + 1। ठीक है, ये क्या हो गया, x - 1 का होल स्क्वायर, वही लिखा हुआ है 6x - 1 का होल स्क्वायर, और इसको इक्वल टू 0 पुट किया 6 x - 1, तो एक्सट्रीम पॉइंट क्या मिला, x = 1। एक्सट्रीम पॉइंट क्या मिला, x = 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कहाँ रखनी है, डेरिवेटिव, इस पर डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, 1 से लेफ्ट की वैल्यू के लिए और 1 के राइट वैल्यू के लिए, है ना। लेकिन ये फंक्शन क्या है, स्क्वायर में, डेरिवेटिव क्या है, स्क्वायर में है, तो हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। जब साइन चेंज नहीं होगा, चाहे एक्स की वैल्यू आप
वही वैल्यू रख लीजिए 0.9 और राइट की वैल्यू रख लीजिए 1.1 और स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है, इन ऑल कंडीशन, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, चाहे आप एक्स की वैल्यू 1 से क्लोज लीजिए लेफ्ट और राइट दोनों ही वैल्यू क्लोज ले लीजिए, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से एक्स इक्वल टू 1 जो है वो ना ही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये है क्या जो थर्ड कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा और इसके बेस पे दो एग्जांपल हमने सॉल्व किए। अब ये कह रहा है कि हम इससे भी इजियर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम एक ईजियर कॉन्सेप्ट यूज करके इसके लोकल मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इसका नाम है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, कोई फंक्शन हमारा एक इंटरवल में भी डिफाइन है और कोई पॉइंट से बिलोंग्स टू इंटरवल, जो भी इंटरवल गिवन होगा, और ये दो बार डिफ्रेंशिएबल होना ज़रूरी है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए वो फर्स्ट डिफ्रेंशिएबल ज़रूरी था, यहाँ पे ट्वाइस डिफ्रेंशिएबल ज़रूरी होना चाहिए, ठीक। तो करना क्या है, सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करके जीरो पुट करके उसके एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उस एक्सट्रीम पॉइंट सी को उस सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और उस सेकेंड डेरिवेटिव का साइन यदि निगेटिव आता है, सेकेंड डेरिवेटिव का साइन क्या होना चाहिए, निगेटिव, तब दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। उस एक्सट्रीम पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, कब, जब ये सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव हो और उस एक्सट्रीम पॉइंट पे जो वैल्यू मिलेगी दैट इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करेंगे उस, फिर सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उस एक्सट्रीम पॉइंट को हम पुट करेंगे डेरिवेटिव में, सेकेंड डेरिवेटिव में, उसकी वैल्यू यदि निगेटिव आई तो उस पॉइंट को निगेटिव पे लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। यदि उस डेरिवेटिव वैल्यू पॉजिटिव आती है तो दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और फंक्शन की लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और वो एक्सट्रीम पॉइंट, यदि वो एक्सट्रीम पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव वैल्यू जीरो हो तब ये टेस्ट फेल हो जाएगा, आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तब टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आया। यदि सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाए जीरो उस एक्सट्रीम पॉइंट पे, तब ये टेस्ट फेल हो जाएगा। इस टेस्ट की मदद से हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। थर्ड केस फेल होने पर, टेस्ट होने पर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जिस हिसाब से, जिस रूल से, जिस स्टेप से हम लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करते थे वही प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। समझ में आया, थर्ड केस में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करेंगे, केवल दो केसेस में, पॉजिटिव निगेटिव में, निगेटिव में लोकल मैक्सिमा, पॉजिटिव लोकल मिनिमा। इसी बेस पे एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। 31, ठीक है, और एक कंडीशन इसका यह है कि ट्वाइस डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए। फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है, फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ गिवन बाय 3 प्लस मॉड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर। तो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ग्राफ ड्रॉ हो गया इसका, 3 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स करके टॉप से ऑब्जर्व हो रहा है किसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, कितनी है, 3 है, किस पॉइंट पे, 0 पे, ठीक है। तो यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि फंक्शन तो डिफ्रेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 0 पे,
सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तो फेल हो गया, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग यूज करते हैं, ई जीरो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हुआ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं, जीरो क्या क्रिटिकल पॉइंट मिला हमें यहाँ से मॉड से, ठीक है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट सी के लेफ्ट में और राइट में, ठीक है, जीरो से लेफ्ट के लिए फंक्शन 3-x, राइट के लिए 3+x, इसको डेरिवेटिव करेंगे कितना मिला, -1, इसको डेरिवेटिव किए -1, निगेटिव वैल्यू आई। अब पॉइंट सी के राइट में फंक्शन 3+x है, इसका डेरिवेटिव किया हमने, पॉजिटिव आया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन कहाँ से चेंज हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है भाई। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में x इक्वल जीरो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, फंक्शन का पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी, स्ट्रीम पॉइंट क्या हुआ, x इक्वल जीरो जो लोकल मिनिमा पॉइंट है, f(0, 3। इस तरह से सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से यूज करके हमने इसके लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल पॉइंट फाइंड कर लिया। 32 देखिए, फाइंड लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फंक्शन। फंक्शन क्या है, 3x⁴, 4x³ -12² + 12, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, 4x⁴ कितना हो जाएगा, 4x³, 4 × 3 = 12x³ ना, ठीक है। यहाँ तक 3x² 4 × 2 करेंगे 12x², ये 2x 24x और 12 का 0, इस सभी जगह से 12 कॉमन ले लीजिए, सभी जगह से हम 12 कॉमन ले लेंगे, इधर जगह नहीं इधर लिख देते हैं, 12 कॉमन लेंगे और x भी कॉमन आ रहा है, यहाँ होगा x², ये +x और ये -2, x² + x - 2, ठीक है। अब x² + x - 2 को फैक्टराइज कर लीजिए, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आसान है, कर लेंगे इसे आप लोग, इससे -2x - x - 2, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लिया हमने, +2x - x, x कॉमन ले लीजिए x+2, -1 कॉमन ले लीजिए x+2, ठीक है। और 12x x-1 x+2, 12x x-1 x+2, एक पॉइंट x = 0 मिला, एक पॉइंट x = 1, एक पॉइंट हमें x = -2, तीनों स्ट्रीम पॉइंट हमें मिल गए। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से यदि हम उसको करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड किया हमने, फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड किया, तो 12x³ का 3 × करेंगे 36x², 2x × 12 24x और x का 1। फिर यहाँ से देखिए 12 कॉमन आया, 3x² यहाँ बचेगा, यहाँ पे +2x - 1, ठीक। अब स्ट्रीम पॉइंट पुट करते हैं कि सर साइन क्या आएगा, 0 पुट करिए आप, ये 0, ये 0, ये -12, नेगेटिव x = 0 कौन सा पॉइंट हुआ, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, 1 पुट कीजिए, 3+2 = 5, 4, 48 आया, पॉजिटिव आ गया, x = 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, और -2 पुट कर लेते हैं, इस तरह से 84 मिलेगा, ये भी पॉजिटिव है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, तो x = 0 एक पॉइंट मिला लोकल मैक्सिमा का, और 2 पॉइंट मिले लोकल मिनिमा के। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके x = 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू 0 पुट कर देंगे फंक्शन में, 12 मिल जाएगा। x = 1 -2 क्या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हुए, लोकल मिनिमम +1 पुट कीजिए यहाँ पे, ये 3, 4, 7, 12 कैंसिल हो जाएंगे, कितना आया 7, और -2 भी इस तरह से पुट कर लीजिएगा, वैल्यू -20 आया। ये हुआ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे यूज करना है, पॉइंट फाइंड करने में, स्ट्रीम पॉइंट फाइंड करने में, और स्ट्रीम वैल्यू फाइंड करने में।
33, इसमें भी सभी पॉइंट फाइंड करने हैं लोकल मैक्सिमम मिनिमा के, फंक्शन एफ गिवन बाय 2x³ + 6x + 5। डिफ्रेंशिएट करिए 2x³ - 6x² + 6x, डिफ्रेंशिएट कीजिए x³ का 3x² और 2 × करेंगे 6x, x² का 2x × 6 - 12x, x का 1। ठीक है, 6 फिर कॉमन ले लेंगे। ये एग्जांपल नंबर 30 दिया है दोबारा से करने के लिए, सेकंड डेरिवेटिव से, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करने के लिए एग्जांपल नंबर 30 को दिया है करने के लिए दोबारा। 6 कॉमन ले लीजिए, वहाँ मैंने कॉमन लिया था, बाकी x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया था। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे चैन रूल से, तो 12x - 1 डेरिवेटिव करने आ रहा होगा। अब क्या करना है, एक्सट्रीम पॉइंट पुट करेंगे, कितना आएगा x = 1। x = 1 कहाँ पुट करना है, सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू 0 आ गई। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या कहा था, सेकंड डेरिवेटिव यदि पॉइंट सी पर 0 आएगा तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। इस केस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा, इसका मतलब इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही करेंगे, और जैसा एग्जांपल नंबर 30 में किया था हमने, वैसे ही वही प्रोसीजर फॉलो करके इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है ना, और वहाँ पे हमने क्या फाइंड किया था कि x = 1 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ना ही इस पर लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ना ही ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, क्योंकि डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर। समझ में आया, 33 में इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का जो थर्ड केस था, फेलियर वाला केस, वो भी इस यहाँ पे शो कर दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 34 पे, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 15, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। दो नंबर है जिनका सम 15 है, एक नंबर को लेट वन ऑफ द नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर इज 15 - x। ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, तो मान लीजिए ऐसा एक्स जो है वो डिनोट करता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर x², सेकंड नंबर 15 - x², इसका स्क्वायर खोल लीजिएगा a - b का होल स्क्वायर, 15² = 225 प्लस x² a + x² मिला 2x² -2x - 30x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे आप, 225 का 0, 30x का 30, इसको स्क्वायर करेंगे 4x। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, इसको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, दोबारा डिफ्रेंशिएट करिए, हो गया 4। ये तो पॉजिटिव आ ही रहा है, पॉजिटिव आने का मीनिंग क्या है, एक्स वैल्यू डिपेंड नहीं कर रहा है, जो भी पॉइंट मिलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट वो क्या होंगे, लोकल मिनिमा के पॉइंट, और उस पर लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, यही हमें प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 किया, एक्सट्रीम पॉइंट 15/2, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से जो पॉइंट है 15/2, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया किसका, एस का, जो एस हमने माना है सम, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर मिनिमम हुआ, और नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या दिया था एक्स, तो हो गया 15/2, सेकेंड नंबर 15 - x, 15 - 15/2 कर लेंगे 15/2। एग्जाम्पल नंबर 35 देखिए, ठीक है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट 0c फ्रॉम द पैराबोला y = x² c का लिमिट दिया है ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 5, 0-5 के बीच में है, इस पॉइंट का पैराबोला से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलिए पहले इस डिस्टेंस का फॉर्मूला, दो पॉइंट का, एक पॉइंट हमने ले लिया hq, कहाँ पे, पैराबोला पे, एक पॉइंट hq, दूसरा पॉइंट 0c, दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है ना, वो फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे, और 10th में भी पढ़ा है, ये सारे वैल्यू उसमें पुट कर दिया, h - 0 h² k - c का होल स्क्वायर। ठीक है, hk कहाँ पे है, पैराबोला पे है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, वाई की जगह के और एक्स की जगह h² पुट कर दीजिए, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k = h² ना,
आप क्या करें, एच स्क्वायर इक्वल टू के इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, सी तो कांस्टेंट है लेकिन एच और के दो वेरिएबल हो गए हैं। यदि हमको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो सिंगल वेरिएबल में चेंज करना होगा, इसके लिए हमने एच स्क्वायर को के में कन्वर्ट कर दिया, अंडर रूट के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, क्योंकि क्या करना है हमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट मिनिमम तो मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन हो गया ये, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। शॉर्टेस्ट लिखे, मिनिमम लिखे या लीस्ट डिस्टेंस लिखे, तीनों ही केस मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ईजियर कॉन्सेप्ट है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है बुक में, तो मैक्सिमम क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही हम लोग सॉल्व करते हैं। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब फेल होता है तब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यही हम लोग करेंगे, यही हमारा प्रोसेस होगा सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका पावर को सॉल्व करते हैं, पावर 1/2 और 1/2 माइनस 1 अंडर रूट में आ गया। इसको चैन रूल से दोबारा करेंगे, k की वैल्यू 1, k का डिफ्रेंसिएशन 1 और k माइनस सी का होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2k माइनस सी। ये डिफ्रेंसिएशन आसान डिफ्रेंसिएशन है, ईजी है। अब स्ट्रीम फाइंड पुट की फाइंड कीजिए, इक्वल टू 0 करिए, पूरा डिनोमीटर 0 से जाकर मल्टीप्लीकेशन होकर 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1+2k माइनस सी। क्या बचेगा, 1+2k माइनस सी। ठीक है, यदि आप कहें तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, जब 0 इक्वल टू पुट करेंगे तो 1+2k माइनस सी और 0 के साथ ये पूरा डिनोमीटर यहाँ मल्टीप्लीकेशन होकर 0 हो जाएगा, 2√k प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, 2k माइनस सी, 2 को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 1+2k माइनस 2c इक्वल टू 0, 2k छोड़ के बाकी ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये 2c प्लस 1 माइनस 1, 2 को फिर से डिवाइड कर देंगे तो 2c माइनस 1 बाई के, ये आ गया स्ट्रीम पॉइंट, 2c माइनस 1 डिवाइड बाई के डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही सॉल्व किया गया है, मतलब कि स्ट्रीम पॉइंट की लेफ्ट वैल्यू, ये स्ट्रीम पॉइंट है, इसकी लेफ्ट वैल्यू, इसकी से लेफ्ट वैल्यू वैल्यू यदि लें हम, के की वैल्यू 2c माइनस 1 बाई 2 लें ना, तो हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। कैसे, छोटी वैल्यू यदि हम यहाँ पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी निगेटिव, ये वैल्यू निगेटिव, ये वैल्यू निगेटिव, सारा डिपेंड न्यूमरेटर करता है, ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि अंडर रूट में है, सब कुछ भी डिपेंड करता है ये, तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, इसका मतलब डेरिवेटिव वैल्यू निगेटिव आएगी। जब के से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव हमें मिलेगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से साइन क्या चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉइंट चेंज करने पे पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलता है, लोकल मिनिमा। ठीक है, और उस पर वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू हो गया, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम बोलेंगे, और फंक्शन पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, के की वैल्यू डिस्टेंस वाले एक्सप्रेशन में रख दीजिए, इक्वेशन में रख दीजिए, 2c माइनस 1 बाई 2, यहाँ क्या था, k प्लस k माइनस सी का होल स्क्वायर, 2c माइनस 2 प्लस 2c माइनस बाई 2 माइनस सी का होल स्क्वायर ना। ठीक है, देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2c एलसीएम लेंगे, 2c कैंसिल, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, कितना आया 1/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे 1/4 आ रहा है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2c 1/2, सब स्क्वायर रूट में है, एलसीएम लेंगे फिर से 4, ये कितना हो गया 4c माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ये लिखा हुआ है 4c माइनस 1 बाय रूट 4, और रूट 4 का बार करेंगे तो 2 आएगा, आगे डिस्टेंस, दिस इज आवर मिनिमम डिस्टेंस,
फोर सी माइनस वन बाई टू। अब ये समझिए, ये तो हो गया आंसर, ये हमारा अंडर रूट फोर सी माइनस वन बाई सी, इसे शॉर्ट एडिशन। अब हमने ऐसा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्यों यूज किया, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्या हुआ, ईजी हुआ, ईजियर हुआ। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो काफ़ी गलतियाँ करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ईजियर कॉन्सेप्ट हुआ, ईजी हुआ और छोटा हुआ, इसलिए हमने यूज किया, यही नोट में लिखा हुआ है। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 36 में, ठीक है। ए पी इन बी क्यू बी टू वर्टिकल पोल, ए पी बी क्यू टू वर्टिकल पोल है और ए पी 16 मीटर हाइट है, बी क्यू 22 मीटर हाइट है, दोनों बीच का डिस्टेंस 20 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर ऑन ए बी फ्रॉम पॉइंट ए, ये डिस्टेंस फाइंड करना है सर, दैट आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम, ठीक है, आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम, ये प्रूव करना है हमें।